You are watching Poonch Live. थैंक यू चलो मैडम थोड़ा सा में आता है तो हमारी तो ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है कि हम जाके देखें पेरिफ्रीज में क्या हो रहा है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारा स्टाफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि जिस तरह स्टाफ के साथ आपकी यहाँ इंटरेक्शन होती है वहाँ ऑफिस में नहीं हो सकती है, और जैसे लोगों के प्रॉब्लम को यहाँ आप समझ सकते हो वहाँ पर नहीं। और मैंने ये भी देखा है बड़े सालों से, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारी मिथ्स चलती है। जैसे अभी मैं इससे पहले सुरन कोर्ट में था तो जो मैं इंप्रेशन बना के आ रहा था उससे तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक है, इट मे नॉट बी 100%, लेकिन लिमिट्स भी होती है हर एक इंसान, मतलब सोच भी हो कि इसमें अब सीटी स्कैन लगा दो, इसमें एमआरआई लगा दो, तो लेकिन बट स्टिल लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास सर्जन भी हैं, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी है, हमारे पास यहाँ पे 60 डिलीवरीज हो रही है, 200 की ओपीडी पर डे है, इट इज़ 200 अराउंड विच कम 6000 ओपीडी, तो इतने लोगों को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, डिलीवरीज हो रही है। तो पर्पज़ ही यही है कि ग्राउंड में देखें क्या हो रहा है। और मेरा एक मानना है, मैं सीएमओज को भी बोलता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट्स, जब तक स्पेशली सीएमओज और बीएमओज को, जब तक वो फील्ड में ना जाए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकते। फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, जब ये फील्ड में जाएंगे ना इनके आधे इश्यूज़ खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब ये अपनी चेयर से, मैं तो सबको एक बार कहता हूँ कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकले, कम्फर्ट जोन इनका अपना ऑफिस है, चेयर है, टेलीफोन है, चपरासी है, चाय है, अगर वहाँ से निकलोगे ना जब आप फील्ड में जाओगे आपको बहुत सारे इश्यूज समझ आ जाएंगे। तो वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, देखो हमारे पास आज की डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे की कमी नहीं रखी, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ हमने उनको चैनलाइज करना है, रैशनलाइज करना है, कैसे करना है। तो पब्लिक की जानिब से भी कुछ डिमांड थी जो कुछ यहाँ के लोगों ने कहा, 90% हमने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि इनका पीडियाट्रिशियन चाहिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड हिम। इन्होंने कहा कि हमारे पास कार्डियक मॉनिटर नहीं है, डीफिब दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, वी विल लुक इनटू इट। अभी मुझे यहाँ पूरा पता नहीं है कि इनका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, कहाँ पे है, वी विल ट्राई टू सी हाउ बेस्ट वी कैन डू दैट। तो जो उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट वी आर एक्सेप्टिंग ऑल दोज थिंग्स।